सामान्यतः मैं किसी विषय पर जब चर्चा चलती है तो मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन आज हमारे प्रिय मित्र डेरेक ओब्रायन जी ने कुछ विषयों को रखा है, इसलिए मुझे उसको रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना है। हम मतलब हमारी भारतीय जनता पार्टी वो खिलाड़ियों में से नहीं है जो हारने लगे तो अंपायर को दोषी ठहराएं। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही आस्क्ड कि वी शुड हैव अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और हमने भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी के साथ ये कह सकता हूं कि हमने कभी भी इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को क्वेश्चन नहीं किया है। इसलिए हमने हमेशा उसकी क्रेडिबिलिटी को माना है। हम उनमें से नहीं है कि जब हार जाएं तो ईवीएम को दोषी ठहराएं और जब जीत जाएं तो हम शहंशाह हैं। और आज जो इनको डर लग रहा है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, तो जो कमिंग इवेंट्स हैं दैट इज गोइंग टू कास्ट देयर शैडोज। दूसरी बात, मुझे अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी प्रोटेक्ट करना है। हमारे डेरेक ओब्रायन भाई साहब, ही गेट्स पर्टर्ब बाय स्मॉल कमेंट्स, बाय स्मॉल कमेंट्स, लिसन, बाय स्मॉल कमेंट्स, बट वेन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री स्पीक्स, द होल टीएमसी कम्स अप एंड शाउट स्लोगन्स, वो चलता है। प्लीज, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। वी नीड योर प्रोटेक्शन।